फ्रेंड्स, मैंने हेयर वॉश कर लिया है। अब ये मेरे गीले गीले बाल है। अब मैं इनको टॉवल से सुखाऊंगी, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि मैं ऐसे टॉवल से गीले बाल सुखाते हुए फिर बना। लेट्स स्टार्ट इट। थोड़ा टाइम लगेगा इनमें सूखने में, फिर उसके बाद आई होप यू एंजॉय इट। मैं जिनको ज्यादा रब करके मैं नहीं सुखा रही हूँ, क्योंकि रब करने से बाल रफ होते हैं और मैं कमजोर भी होते हैं। इस वजह से मैं इनको रफ नहीं कर रही हूँ, इनको बस वैसे ही सुखा रही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं इनको जनरली ना धूप में सुखाती हूँ, ताकि धूप में ना ये जल्दी सूख जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं धूप में सुखाने से। ड्रायर में यूज नहीं करती, क्योंकि उससे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ होते हैं और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इस वजह से मैं ड्रायर यूज नहीं करती हूँ, मैं हमेशा इनको धूप में ही सुखाती हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ धूप में सुखाने के लिए, ताकि फिर ये सूख जाए, फिर मैं इनके उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इनमें बनाऊंगी साउथ इंडियन लूज ब्रेड। सो आई एम कमिंग। सब फ्रेंड्स, देखा ये ऑलमोस्ट मेरे बाल सूख ही गए हैं। अब मैं इन पे सीरम यूज करूंगी। वो हमेशा मैं जब भी मेरे बाल हेयर वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं यूज करती हूँ, तो उससे क्या बाल सिल्की और शाइनी रहते हैं, और मैं जब कॉम करूंगी तो मेरे बाल उलझेंगे भी नहीं। तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल लिवोन यूज कर रही हूँ। और भी आता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको वो नहीं कर रही कि आप इसी को यूज करो, मैं ये यूज करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं ये थोड़ा यूज कर लेती हूँ। आपने काफी वीडियो में देखा भी होगा कि मैं इसको यूज करती हूँ, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। अब ये ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं। अब मैं इस पे कॉम करूंगी, लेकिन मैं और थोड़ा 2 मिनट ले लेती हूँ, ताकि ये एकदम पूरी तरीके से सूख जाए, क्योंकि
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाल बिल्कुल भी थोड़े से भी कमजोर हो, क्योंकि गीले बालों में काम करने से ना बाल कमजोर होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी यूज मत करना। मैं उसके लिए यही कहूंगी कि आप गीले बालों में काम ना करें। फ्रेंड्स, ये बाल पूरी तरीके से सूख गए हैं, अब मैं इन पे काम करूंगी, इनको सुलझा लेती हूँ। ये वीडियो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। आप ऐसे ही कमेंट करते रहा कीजिए कि ताकि मेरे को भी बहुत अच्छा लगे कि हाँ आप देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ताकि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ, मुझे कंटेंट भी मिलता रहे। आप ऐसे बताते रहोगे तो ये हो गया है मेरे, मतलब मैंने कॉम कर लिया। मैं थोड़ा सा ये हल्का बीच में से थोड़े गीले गीले लग रहा है मुझे, मतलब गीले नहीं है, सीले सीले से लग रहा है, इसके लिए थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ हेयर स्टाइल बनाने के लिए, क्योंकि गीले बालों को बांधने से भी सर दर्द होने लगता है मेरा, तो मैं गीले बाल भी नहीं बांधती हूँ, उनको पोनी नहीं बनाती हूँ, तो उसको थोड़ा सा ये और सूख जाए उसके बाद मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आपको भी, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझ में ये वीडियो है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छे हो चुका है, अब मैं बनाने जा रही हूँ लूज ब्रेड, तो उसके लिए मैं इनको फिर से एक बार हल्का सा कॉम कर लेती हूँ। मैं थोड़ा इन बालों को लूज ब्रेड के लिए मैंने इनके थ्री पार्ट कर रही हूँ, ये मैंने थ्री पार्ट कर लिया, ये इसको ऐसे, इस पे मैं रबर, ये नॉर्मल है, मैं इसको थोड़ा सा और यूज कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा वॉल्यूम वाला दिखे, ताकि ये थोड़ा सा बाल घने दिखे, अच्छे लगे, वो अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा करती हूँ, आपने काफी वीडियो में देखा भी होगा मेरे।
बाकी एक्स्ट्रा जो ये छोटे छोटे बाल है मैं इनका नहीं साइड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको कौन सा पसंद है। मैं वैसे ही और वीडियो बनाती रहूँगी। सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।